दुश्मन अब बहुत जी चुका। क्या खड़ा है सामने कर में धनुष तले हुए, आ रहा है काल तेरा देख मुख खोले हुए। पापी ने कैसा शस्त्र चलाया। सकता लक्ष्मण, नियति का एक ऐसा खेल है कि मुझे युद्ध जीतने के लिए अपना भाई हारना पड़ता है। जब सब कुछ हमारे वश में था फिर तुम मुझे विवश करके क्यों जा रहे हो लक्ष्मण? लक्ष्मण लक्ष्मण तुम उठते क्यों नहीं हो? लक्ष्मण लक्ष्मण अभी भी थोड़ी जान बाकी है, पर सूर्योदय तक ही इन्हें रोक पाऊंगा मैं। कुछ कीजिए, ये राम का आपसे अनुरोध है। एक ही उपाय है, पर वो तो दूर हिमालय की चोटियों में है, संजीवनी बूटी। पर रात भर में सूर्योदय से पहले उसे लेकर आएगा कौन? अपने भाई को खोने का गम और अपनी सेना के शवों को देखकर कुछ पल के लिए राम हार मान बैठे थे, लेकिन लंका से इतनी दूर सूर्योदय से पहले ये बूटी लेकर कौन आता? सबके मन में सिर्फ एक नाम जागा, संजीवनी के लिए आए हुए हनुमान और उनके श्री राम का जाप करने वाले इस भक्त की कहानी खोजने जा रहे हम, कहीं सुनी द मिथ्स एंड लेजेंड्स ऑफ इंडिया में। शिमला में घूमने का इससे बेहतर जरिया और कोई नहीं है। इन वादियों के बीच से गुजरती हुई ये ट्रेन इस देव भूमि के बहुत करीब से दर्शन करवाती है। देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट दिस प्लेस। हिमालय की तरफ उड़ते हुए हनुमान को संजीवनी बूटी की पहचान नहीं थी, तो वो इन्हीं पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए निकले। तब उन्हें एक जाप सुनाई दिया, जय श्री राम, और वो यहाँ इसी पहाड़ पर उतर गए। उनके पदचिन्हों के बोझ से ये पूरा पहाड़ धस गया और अपनी ओरिजिनल हाइट से आधा ही रह गया। कहानियाँ जब विश्वास में बदल जाती है तो उसमें कई ऐसे एलिमेंट्स आ जाते हैं जो फैंटेसी और रियलिटी के बीच झूलते रहते हैं। लेकिन एक पूरा पहाड़ किसी के पैर रखने से कैसे टूट सकता है? हनुमान जी जब इस पर्वत पर उतरे, ऋषि जी से बातचीत की, तब ये काफ़ी ऊंचा पर्वत था, उनके वेग से ये चौथा हिस्सा रह गया। जैसा हम सुनते हैं आकाश मार्ग से राम भक्त मान जी सिद्धि बूटी लेने आ रहे थे, हनुमान जी को झटका लगा, राम का नाम कौन ले रहा है? तो यहाँ जो हनुमान जी उतर गए। इस जंगल में तुम्हारा क्या काम? आप कौन है महाराज? प्रश्न हमारा, उत्तर तुम्हारा, बोलो कौन हो तुम? मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ ऋषिवर, मैं रास्ता भटक गया हूँ, क्या आप मुझे रास्ता बताएंगे?
कहते हैं कि यहीं इसी पहाड़ पर हनुमान रुके थे और उनके आने से एक ऋषि का तप भंग हो गया। वो कोई साधारण ऋषि नहीं थे, वो तो एक यक्ष थे जो इन पहाड़ों और जंगलों की रक्षा करते थे। यक्ष जो है वो संरक्षक देवता के रूप में हम मानते हैं। संरक्षक देवता का अर्थ है जैसे कोई जलाशय हो उसका संरक्षण करता हो, या कोई वन है उसका संरक्षण करता हो, या धन का संरक्षण करता हो जैसे कुबेर है। कुबेर सबसे बड़े यक्ष माने जाते हैं। मूलतः यहाँ यक्ष निवास था। यक्ष का ही स्वरूप बिगड़कर बाद में जाखू स्थान बन गया। जैसे समय बदलता गया, युग बदलता गया, यक्ष से याकू, याकू से नाम जगह का जाखू बढ़ गया है। मैं इस पर्वत का रक्षक हूँ और तुमने इस पर्वत को क्षति पहुंचाई है। क्षमा कीजिए, मैं तो श्री राम का नाम सुनकर रुक गया था। मेरे और श्री राम के मध्य आने वाले तुम कौन हो? श्री राम ने ही मुझे यहाँ भेजा है। उनके भाई लंका युद्ध में मूर्छित हो गए हैं। अगर मैं सुबह होने से पहले संजीवनी बूटी लेकर लंका नहीं पहुँचा तो अनर्थ हो जाएगा। क्या आप मुझे द्रोणागिरी पर्वत का रास्ता दिखा सकते हैं? किंतु मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम श्री राम भक्त हो? आप तो स्वयं एक भक्त हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए और श्री राम का नाम स्मरण करके देख लीजिए। अब आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे? यदि मैंने आपका मार्गदर्शन किया तो आप लौटते समय क्या इस भक्त को दर्शन देंगे? अवश्य। परिचय प्राप्त करने के बाद जब हनुमान जी आगे संजीवनी लेने गए तो ऋषि से प्रण किया उन्होंने कि मैं वापस आती बार भी आपको दर्शन देकर जाऊंगा। लेकिन ज्यादा समय नष्ट होने से वो किसी और मार्ग से वापस, छोटे मार्ग से वापस चले गए। तो ऋषि प्रतीक्षा कर रहे थे कि हनुमान जी वापस आएंगे और मुझे दर्शन देकर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ऋषि जी को हनुमान जी ने मूर्ति रूप में दर्शन दिए। पंडित जी, क्या यही वो प्राचीन मूर्ति है जो यहाँ स्वयं प्रकट हुई? हाँ, ये वही मूर्ति है सामान्य जी मंदिर में जिसकी हम रोज पूजा होती है। भूपिंडी जो अंदर हनुमान जी की है, स्वयं भूपिंडी है। इसमें हनुमान जी का साक्षात वास है। आप यहाँ आए, सच्चे मन से आए, कोई भी आप अपनी श्रद्धा लेकर के आए वह पूर्ण होती है। हनुमान की मूर्ति का यहाँ स्वयं प्रकट होना और उनके पदचिन्हों से पूरे पहाड़ का धस जाना अनहोनी सा लगता है, मगर यहाँ के लोगों के मन में कोई शंका नहीं है कि ये पदचिन्ह हनुमान के ही है। अधिभौतिक आध्यात्मिक शक्तियों से परिपूर्ण व्यक्ति हनुमान थे। उनमें इतनी शक्ति थी, जहां उन्होंने कदम रखा वहां पर जो वातावरण में परिवर्तन आया वहां पर स्वयंभू शिलाएं बन जाती। झाकू के मंदिर में आते ही हनुमान की पूरी वानर सेना आपका स्वागत करती है। हनुमान जी के निवास स्थान से इन बंदरों को निकालना नामुमकिन सा है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ढेर सारे बंदर हैं, उछल कूद मचा रहे हैं, और ये उनके बारे में प्रचलित है कि ये जहाँ भी होते हैं हनुमान मंदिर के ऊपर जरूर पाए जाते हैं। बंदर और ह्यूमन बीइंग्स, जहाँ तक शिमला का ये कॉन्टेक्स्ट है, बंदर और ह्यूमन बीइंग्स साथ ही रहे हैं। एक दूसरे के साथ दुश्मनी भी इनकी रही है, पर एक दूसरे के बिना लगता ये नहीं काम इनका चलता है। जाकू एक तरह से आप समझ लीजिए ये बंदरों का गढ़ है। यहाँ पर बंदरों को हम देखते हैं आपस में लड़ते हैं। एक बंदर जो है वो दूसरे बंदर की चमड़ी को दे देता है और 5-7 दिन के बाद देखो तो कि वो पूरा बंदर पूरे तरीके से ठीक होता है। वो बंदरों को इस चीज का ज्ञान है कि वो कौन सी बूटी है और उससे आदमी जो है वो ठीक हो जाता है। तो इस पहाड़ पे है वो कई सारी बूटी होगा, लेकिन हमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। और संजीवनी बूटी वो भी इस पहाड़ पे है कि नहीं? संजीवनी तो इसमें नहीं मिलेगी, संजीवनी तो ऊपर जाकर के ही कहीं पहाड़ में मिलेगी। तो अभी तक है वो संजीवनी? बिल्कुल होगी। अगर ये सच है कि हनुमान यहाँ संजीवनी लेने आए थे तो फिर कहीं ना कहीं हमें भी उस बूटी की चमक तो दिखनी ही चाहिए। क्या इन घाटियों में आज भी नेचर ने अपनी ये राज छुपा कर रखे हुए हैं?
मुझे संजीवनी बूटी के बारे में कुछ बताइए। देखिए, संजीवनी बूटी के बारे में कुछ मतभेद है। जो रामायण में कहा गया है कि लक्ष्मण जी बेहोश हो गए थे, और तो क्वेश्चन ये उठता है कि वो बेहोश थे या वो घाव उनको हो गया था जिसको भरने के लिए संजीवनी बूटी चाहिए थी। तो घाव भरने के लिए अगर उसमें खून बह रहा था तो इतना टाइम लगने से तो बड़ी मुश्किल हो जानी थी। तो इससे ये लगता है कि उनको जो बाण लगा था वो विष वाला था, और उनको एक विषैला असर होने से वो कोमा की स्टेज में चले गए थे। अच्छा, तो इस स्थिति में वो जो हमारा जड़ी बूटी होनी चाहिए थी संजीवनी की, ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी कि वो विष का एक प्रतिकार हो, एंटी पॉइजनिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो इस तरह की जड़ी बूटियाँ तो यहाँ मिलती हैं, जैसे पुट है, मंजीठ है, यहाँ कपूर कचरी है। देखिए, यहाँ बहुत सारी जड़ी बूटियाँ आपको मिल जाएंगी। इसमें से देखिए, ये बिच्छू बूटी है, जिसके आप टच करने से आपको इसमें जैसे बिच्छू का वो डंक का वो लगता है, उसी तरह से आपको थोड़ा इफेक्ट होगा। आप टच करिए इसको, थोड़ा टच करिए, इसका इलाज भी है, यहीं पर इलाज है, आपको वो भी ठीक कर देगा। आप इसको ऐसे टच करिए, देखिए टच करिए, मैंने भी तो टच किया, आप टच करके देखिए ज़रा सा, नीचे से ऐसे, हाँ आउच देखिए आप इसका इलाज कर देंगे। ये देखिए, ये इसका बिच्छू बूटी के कांटे का इलाज है। आप अब ये रस लगा देंगे यहाँ पर तो ये ठीक हो जाएगा, इसके वो जो इफेक्ट हुआ है। संजीवनी का अर्थ ये होता है जो जीवनदायिनी हो। तो आज के युग में जाने कितनी ऐसी बूटियाँ हैं और कितनी ऐसी औषधियाँ निकल गई हैं जीवनदायिनी है। जैसे पेनिसिलिन ले लीजिए, पेनिसिलिन पहले जब तक नहीं थी तो कितने लोग यहाँ बीमार होते थे, तो वो पेनिसिलिन के आने से वो सारी दूर हो गई है ना। तो ये एक इसी यही संजीवनी होती थी। जो जड़ी बूटी जो संजीवनी के बारे में बात कर रहे थे वो द्रोणगिरी है। द्रोणगिरी अल्मोड़ा में एक पहाड़ है जिसको दूनागिरी आजकल कहते हैं। वो पहाड़ जो है वहाँ उसने बोला था कि वो वहाँ संजीवनी मिलेगी। ये दिव्यवटी, इसकी पहचान ये थी कि द्रोणागिरी में जहाँ ही होती थी रात को ये चुगनों की भांति चमकती हुई बूटी है। अभी भी कहते हैं हिमालय के हायर हाइट्स में संजीवनी का की विद्यमानता है, जो कि बहुत ही अत्यंत ऊंचाई पर है। यहाँ बिलीफ और भक्ति के बीच और किस्से और कहानियों के बीच कोई अंतर नहीं है। पीपल बिलीव व्हाट दे विल, मगर एक बात तो तय है कि हनुमान की मान्यता झाकू के मंदिर से बढ़ते बढ़ते पूरे शिमला को छू गई है। शिमला में हनुमान के भक्तों की कोई कमी नहीं है, और ये मिथ कि हनुमान यहाँ आए थे एक रियलिटी बन गई है। सो मच सो कि यहाँ दूसरे मंदिरों में भी पवन पुत्र के भक्त फैले हुए हैं। वैसे ही है संकट मोचन की मंदिर की कहानी, जो एक हनुमान भक्त ने बनवाया था। ये श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर जो है, बाबा नीम करोरी जी महाराज सिद्ध पुरुष हुए हैं, इनकी प्रेरणा से ये सब बना है 1962 में। वो कहते हैं हनुमान जी के अवतार थे, इनके अंदर ऐसी कुछ शक्ति थी कि ये हर चमत्कार जानते थे, आशीर्वाद लोगों को देते थे, लेकिन रहते थे बड़े सीधे सादे भाव में। उनके दो बहुत भगत थे उस समय, जो उस समय हिमाचल प्रदेश के गवर्नर थे, राजा बजरंग बहादुर सिंह भद्री, और उनके जो एक सिविल सर्विस में थे श्री भगवान साहे। इन दोनों ने उनकी बहुत मदद करी और ये पहला मंदिर बनाया गया, और आज आप देखेंगे ये बहुत मंदिर फैल गया है। एक समझ लीजिए कई हज़ारों की तैदाद में हर महीने लोग इधर आते हैं। बैसाखी को जो है मेला लगता था, कुश्तियाँ होती थी। ये अब थोड़े दिन से, कोई 15 साल से जो है अब कुश्ती नहीं हो रही है, तो अब उसकी जगह पर हनुमान जयंती मनाते हैं। वैसे वरदान है हनुमान जी को कि चारों युग प्रताप तुम्हारा। वैसे हनुमान जी का चारों युगों में सतयुग
त्रेता द्वापर कलयुग, और कलयुग में विशेष करके इसलिए है कि राम नाम इससे ही जीव का कल्याण होने वाला है। सर, श्रीलंका में जो हिल है, आप क्या उसके बारे में जानते हैं जो द्रोणागिरी की तरह है? कहते ये हैं कि वो हनुमान जी जब गए थे तो उसमें वापसी का कोई वर्णन नहीं है कि वापस वो पहाड़ लाए थे या नहीं लाए थे, तो वो वहीं पड़ा हुआ होगा ऐसा कहते हैं। महेंद्रलाल सिक्का, उन्होंने इस पर शोध किया काफ़ी, और उन्होंने उस पर्वत को नाम दिया सुप्रा पर्वत। सुप्रा पर्वत जो है वो श्रीलंका के और जो वहाँ जड़ी बूटी हैं उससे भिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ सुप्रा पर्वत में मिल रही, तो हो सकता है कि वही द्रोणागिरी पर्वत हो, और द्रोणागिरी ऑफ श्रीलंका भी कह सकते हैं उसको। और सुप्रा पर्वत में एक नीचे हनुमान जी की मूर्ति भी है। जब वहाँ की जड़ी बूटियों से किसी आदमी को, कोई आदमी भला चंगा सही हो जाता है, तो वो जाता है और उस हनुमान जी की मूर्ति में माथा भी टेकता है। मैंने तो तुम्हें संजीवनी बूटी लाने को कहा था, पर आप तो पूरा पहाड़ ही ले आए। बचपन में इस लाइन को सुनकर मैं बहुत हंसती थी, मगर यहाँ आकर संजीवनी की खोज में खुद खोकर मैं समझ सकती हूँ। अगर मैं इसे उठा सकती तो शायद मैं भी इस पहाड़ को उठा ले जाती विद ऑल इट्स मैजिक। हिम रश्मिम निशानातम तारकापदिम उत्तमम। हिम रश्मियों का अधिपति चंद्रमा है, तो जब तक चंद्रमा अपनी प्रदीप्त किरणों को बिखेरेगा, रात्रि रहेगी, तब तक वही संजीवनी अपने रस से अभिभूत कर प्राणी मात्र के उसके शरीर की रक्षा करेगी। जैसे ही सौरमंडल की सौर ऊर्जा फोटोसिंथेसिस शुरू हो जाएगा, संजीवनी अपना प्रभाव लुप्त कर देती है। संजीवनी का प्रभाव तभी तक रहता है जब तक रात्रि है, जब तक चंद्र ज्योत्सना जागृत है। तुमने आज मेरे लिए सूर्यदेव को भी पराजित कर दिया हनुमान।
भगवान ने अपने से ऊंचा स्थान अपने भक्तों को दिया है। इन टुडेज वर्ल्ड हमारे पास ये फेथ ही तो है। शायद इसीलिए कहते हैं दैट फेथ कैन मूव माउंटेंस। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम एपिक।